मुकेश लूथरा का सवाल मेरे पास में है। मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शहरों में लेके जाता है, और सब लोग उस समय जब भी मैं जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोदी जी हिंदूवादी हैं। और आजकल तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहाँ जाते हैं पहले शिव मंदिर से राम मंदिर से शुरू करते हैं और अपने आप को भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है, तो इतना बदलाव ये कैसे आया? इस बदलाव से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये सीजनल कारोबार है। वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरंगा झंडे से वोट कम मिलता है, अगर हरा के झंडे से ज्यादा मिलता है तो रोड शो में हरा झंडा लगा दो। और इसलिए इस सीजनल जो कारोबार करते हैं उनकी राजनीति चल जाती है, लेकिन न उसे देश चलता है न जनता का विश्वास चलता है। दूसरी बात है कि सच्चे दिल से किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए, शक क्यों करना चाहिए। मैं एड्रेस दे सकता हूं बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का, कोई जाना चाहता है तो, क्योंकि मैं उस दुनिया से ज्यादा परिचित हूं। ममता दीदी में हमने परिवर्तन देखा है, वो भी आजकल काली माँ की बात करती हैं, वो भी आज हनुमान जी की बात करती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की बात करती हैं। ये डर नाम की चीज है ना, कुछ भी करा देती है। ये नैतिकता का डर, सिद्धांतों का डर, आदर्शों का डर, 5 साल के कार्यकाल का डर, ये अच्छों को किसी को बजरंग बली बुलवा देगा, किसी को शिव भक्त बना देगा, किसी को काली भक्त बना देगा। देश का माहौल बन रहा है सबको मुख्य धारा में आने के लिए मजबूर कर रहा है।